हेलो हाय एवरीवन, तो आप सभी को नमस्ते। मैं दीपा सिंह। तो आज मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने घरों में ही जो सामान हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसी से कितने आसान तरीके से आप लोग अपने घरों में कुशन बना सकते हैं। तो ये मेरा बेड है, जिसके नीचे की बहुत सारे जैसे होते हैं ना, हम लोगों के ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, दुपट्टे होते हैं, सूट्स होते हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना, उसको किसी को देते हैं ना, थ्रो करने का मन करता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो कि ओल्ड फैशन्ड हो जाती है, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं वही बताऊंगी आपको, बिना स्टिचिंग किए हुए कैसे आप बड़े ही आसानी से अपने घर पे कुशन्स बना सकते हैं। तो देखिए, दुपट्टे हैं ये, जैसे कि यूज़ नहीं होते हैं मेरे, और इसको आपको स्टिचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कुर्तियाँ मैं निकाल दी हैं, तो इसके थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी कि आप बड़ी आसानी से घर पे ही कैसे कुशन बना सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और वो भी घर में रखे हुए बेकार कपड़ों की मदद से। तो ये मेरे सूट्स हैं जो कि यूज़ ही नहीं होते हैं, कुर्तियाँ सूट्स जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं होते। तो ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी मिल जाती हैं कभी कभी दीवान से जो कि यूज़ नहीं होती है, तो इसको लगाने की भी जगह नहीं है, इसलिए अंदर ऐसे दीवान में पड़ा हुआ है। बट ये है काफ़ी ब्यूटीफुल, इसके अंदर अगर लाइट लगा दें तो बहुत अच्छा लाइटिंग हो जाती है। ये बाकी कपड़े हैं, क्योंकि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ तो इस वजह से कपड़े रखे हुए हैं एक अलग से पेटी में। और ये नेक डिज़ाइंस हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं एक पेटी में रख लेती हूँ बाकी सब कुछ। और ये देखिए धोती है, ये धोती मैंने बनाई थी, इसकी फर्स्ट मैंने वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, आई थिंक 2 या 2.5 साल हो गए हैं। उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि किस तरह से वीडियो बनाई जाती है, एडजस्ट कैसे करते हैं, बट धीरे धीरे मैंने कर लिया। अभी मैंने देखिए बेड से जितना सामान निकालना था निकाल लिया है, क्योंकि बेड खोलना बार बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ये मेरे गद्दे हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, तो नहीं वो हो पाते इसकी वजह से, क्योंकि पूरा ही निकालना पड़ता है मुझे, उसके बाद जाके फिर मेरा दीवान खुल पाता है, क्योंकि बहुत हैवी है तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती उनको बार बार। तो जितना भी सामान निकालना था मैंने, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, वो इसी तरह से हम बैग्स के अंदर ही रखते हैं जो कि ओल्ड होता है या यूज़ में नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे ये बेड शीट भी, एक्चुअली ये बेड शीट नहीं है, ये अंगूरी है या एसी बोलते हैं इसको, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो चादर अगर यूज़ करते हैं तो ठंड फील होती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये भी इस वाले बेड में अच्छे तरीके से आ नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने इसके साइड में फिर से स्टिचिंग करके दूसरी वाली जो ये एसी ब्लैंकेट होता है छोटा पतला वाला, उसको ही साइड में फिर से सिला है, ताकि ये पूरा कवर हो जाए बेड। तो चारों तरफ से फिर मैंने काट के उसको सिल दिया था, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। तो आपको दिख भी रहा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये अलग है। तो मैं इसी तरह से अपनी बेडिंग लगाती हूँ और फिर सब अंदर की तरफ डाल देती हूँ, ताकि वो टाइट हो जाए, क्योंकि ये जो बैच ये जो होती है ना अंगूरी चादरें, ये क्या होती है, सिमट जाती हैं, एक जगह पे रहती नहीं इकट्ठा। अगर मैं इसको कोने में नहीं दबाऊंगी तो फिर ये बिल्कुल फैल जाएगी, मतलब एक जगह पे सिमट जाएगी और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों के घरों में तो उसको बिल्कुल टाइटली फिट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल टाइटली फिट करती हूँ और अंदर की तरफ पूरा ही दबा देती हूँ, ताकि निकले ही ना बाहर, और अच्छे से टाइट कर देती हूँ मैं, क्योंकि गद्दे जो है एग्जैक्ट इसकी फिटिंग के ही हैं, तो बिल्कुल जगह हो नहीं पाती। अगर मैं थोड़ा सा दबा भी दूंगी तो फिर निकलता नहीं है ये। तो ये मेरी सेटिंग हो गई है, देखिए दबा दिया है मैंने इसको चारों तरफ से। तो इस तरह से अगर आप अपना बेड सेट करेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है इधर उधर, कोई सी भी आप चादर बिछा लें तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए कुशन जो है नॉर्मल कुशन है, बट मैंने इसमें भी गर्म चादर जो होती है वो बिछाई हुई है, मतलब मैं इसी तरह से कुशन के कवर बना लेती हूँ। इसके अंदर ऐसे कॉटन के हैं, कॉटन का कवर है ये, कॉटन का पिलो है, मतलब पिलो कवर जो लगाए हुए हैं। बट मैं इसी तरह से क्या करती हूँ, मेरे पास जो चादर थी उसी तरह से आप कोई भी कुशन या कोई भी तकिया, मतलब कुछ भी पिलो वगैरह जो भी है किसी भी चीज़ के, आप ना इस तरह से
उनके कवर बना सकते हैं विदाउट स्टिचिंग। तो देखिए कोई स्टिचिंग नहीं किया और बिल्कुल आराम से इसका कवर बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं इस तरह से इसको अंदर की तरफ डाल देती हूँ तो इसका कवर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है और काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहता है ये। यकीन मानिए फ्रेंड, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ये। देखिए इसका कवर बन गया बिल्कुल विदाउट स्टिचिंग, कोई स्टिचिंग मुझे नहीं करनी पड़ी इसके लिए। तो ये दो मतलब चादरें थी तो मैंने इसके दो पीस कर लिए और इसके कुशन कवर बना लिए, मतलब पिलो कवर बना लिए। वो गर्म भी रहते हैं तो ठंडी का भी मतलब महसूस नहीं होती है। अब मैं आपको अगेन दूसरा वाला बेडिंग बना के दिखाती हूँ यहाँ पे कि आप अपने, मैं आपको बाहर से लाइट दिखाना चाह रही थी क्योंकि बाहर से ना अभी नाइट टाइम हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वो जो हमारी बाहर वाली लाइट है वो बहुत अच्छे से मतलब लाइटिंग होती है उसकी, बहुत अच्छा शाइनिंग आती है उसकी। और ये जो कुशन है ये भी मैंने घर पे बनाए थे कवर, तो एक साइड से तो बंद किया हुआ है मैंने, दूसरी साइड से मैंने कुछ खुला हुआ था और डालने के लिए ओपन, मतलब जिससे कि डाल सके राउंड वाले। और बाकी यहाँ पे मैंने एक ब्लैंकेट ले लिया देखिए छोटा वाला, तो इसको भी मैं यहीं पे एडजस्ट कर दूँगी।